लेने आया हूँ वो मेरे प्राण रक्षा के निमित्त का ज्ञापन है। इसी बुजले से लगा हुआ रायबरेली एक जनपद है जहाँ ऊंचाहारी एक तहसील है। इटौरा बुजुर्ग एक स्थान है जहाँ पर पहले भी कई लोगों की हत्याएं काट काट के हुई थी। वह वही आपराधिक क्षेत्र है। वहाँ एक आश्रम है राम जानकी मंदिर जिसका मुझे श्री महंत बनाया गया है। 21 तारीख को मेरा पट्टाभिषेक वहाँ था। वहाँ से मैं जैसे प्रयाग से वापस रात में आया हूँ सुबह लगभग 9 बजे के आसपास बिना नंबर बोलेरो गाड़ी से 4 अपराधीगण मेरे आश्रम में प्रवेश करते हैं और अपने को एक बड़े अधिकारी जैसे वो आतंकवादी के रूप में नहीं अधिकारी के रूप में अपने आप को पेश करते हैं। मानसिक रूप से हम पर दबाव बनाते हैं। जब मेरे पास वो बैठ जाते हैं तो मेरी गला दबा के मार डालने का प्रयास करते हैं। जब मैं आवाज लगाता हूँ वो भागते हैं। उसकी सूचना मैं जब देता हूँ थाना कोतवाली जायज को लोग पकड़े जाते हैं और गौरीगंज में FIR होने के बाद उनको शाम को छोड़ दिया जाता है। जब मैं उनके बारे में जानकारी करता हूँ तो सारे लोग उस क्षेत्र के निकलते हैं जहाँ से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये हमें माना जा रहा है कि सारे षडंत्रकारी मेरी हत्या की नियत से नहीं बल्कि हत्या करने ही आए थे और उसमें किसी दबंग व्यक्ति का उनके ऊपर हाथ है लगता है सत्ता पक्ष के लोगों का हाथ है। वहां के श्रीमान जी बता रहे हैं महाराज कि जिन लोगों का उनके ऊपर हाथ है वो बड़े दबंग है। उन्हीं लोगों ने उस समय की 11 बीघे जमीन पर कब्जा किया है जिसके कारण ये सारे उपद्रव वहां बराबर हो रहे हैं और अब मेरी हत्या किसी भी क्षण हो सकती है। इसलिए प्रशासन को बताना था, शासन को बताना था, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गवर्नर साहब को मैंने ज्ञापन दिया है। प्रशासन को मैंने आगाह किया कि यदि मेरी हत्या होती है जो लोग भी मेरे इस कार्यक्रम में आए थे उन्हीं लोगों को निश्चित रूप से जिम्मेदार माना जाए और उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और यदि मेरी हत्या होती है तो उसमें प्रशासन की लापरवाही भी फिर मानी जाएगी क्योंकि अगर बताने के बाद भी मेरी व्यवस्था सुरक्षित नहीं होती, मेरे आश्रम सुरक्षित नहीं होते क्योंकि हमें यहाँ से प्रयाग जाना है, प्रयाग में कार्यक्रम है, वहाँ 11 लाख दीपों का प्रज्वलन होना है।